नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भरतपुर जिले का फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट हुई निरस्त, यानी कि भरतपुर जिले की जो फाइनल रिजल्ट आया था फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट, उसको वो तकनीकी कारणों से तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया और इसके साथ तीन और जिलों का फाइनल मेरिट रिजल्ट हुआ रद्द। फाइनल रिजल्ट में हो रही है बड़ी गड़बड़ी, इसी के कारण रिजल्ट हो रहे हैं निरस्त। आप ये देख सकते हो तो भरतपुर की ओर से तो अभी अभी तो प्रेस नोट वो जारी किया गया है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर राजस्थान, जिला भरतपुर में कांस्टेबल भर्ती 2019 में चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम इस कार्यालय के प्रेस नोट दिनांक 25/3/2021 के तहत प्रकाशित किया गया, यानी कि भरतपुर का फाइनल मेरिट लिस्ट 25 मार्च को प्रकाशित की गई, जो कि परिणामों को वो तकनीक कारणों से तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। संशोधित परिणाम प्रत्यक्ष से प्रकाशित किया जाएगा। संशोधित परिणाम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने की दिनांक भी प्रत्यक्ष से बताएगी, यानी कि भरतपुर जिले का परिणाम अब एक बार फिर से जारी किया जाएगा और जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की वो डेट थी वो भी अलग से बताई जाएगी। और इसके साथ ही आज तो मॉर्निंग के अंदर भी एक और जिले का रिजल्ट हुआ था रद्द, इसके अलावा तो कोटा का भी रद्द हुआ था। कुल मिला के तीन वो जिलों के अब रिजल्ट हो सके रद्द और आगे भी तो रिजल्ट हो सकते रद्द, क्योंकि ये फाइनल तो रिजल्ट के अंदर तो कुछ वो तकनीकी वो गड़बड़ी हो रही थी, इसी के कारण रिजल्ट हो रहे रद्द। और इसके अलावा आज हाईकोर्ट के अंदर अभ्यर्थी ने भी तो याचिका लगी, उसके कारण भी तो रिजल्ट तो रद्द होने की पूर्ण संभावना है। अब देखते हैं और तो किन किन जिलों का रिजल्ट होता है रद्द या निरस्त होता है। जब भी और भी कोई वो रिजल्ट वो निरस्त किया जाएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट दी जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।